हाई फ्रेंड्स वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल एके एक्वा नॉलेज फ्रेंड्स टूडे वी आर डिस्कस अबाउट ऑफ पैराथायरइड ग्लैंड फ्रेंड्स इन द लास्ट वीडियो वी हेड स्टडी अबाउट ऑफ थायरायड ग्लैंड इन सिस्टम ऑफ इंडोक्राइम सिस्टम बट इन दिस वीडियो वी विल गेट टू नो अबाउट द पैराथायरइड ग्लैंड सो लेट्स इंडोक्राइम सिस्टम में हम लोग पैराथायरयड ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे एंड वॉट इज द पैराथॉराइड ग्लैंड स्ट्रक्चर ऑफ पैराथॉराइट एंड फ्स ऑफ पैराथॉराइट एंड रेगुलेशन ऑफ पैराथॉराइट एंड ऑफ पैराथराइड लैंड इन सब के बारे में जानेंगे सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स पैराथॉराइड पैराथॉराइड लैंड जो होती है वो कहाँ पे लोकेटेड होती है सो फ्रेंड्स इन द लास्ट वीडियो वी हैड स्टडी अबाउट ऑफ थायरॉइड ग्लैंड सो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने जो थायरॉयड ग्लैंड पढ़ा था वो हम लोगों ने देखा था कि जो थायरॉइड ग्लैंड होती है वो नेक में प्रेजेंट होती है एंड जो पैराथायरॉयड ग्लैंड होती है फ्रेंड्स जो पैराथॉराइड ग्लैंड है ये जो प्रेजेंट होती है वो नेक में हमारा जो थायरॉड ग्लैंड होती है इसी में थायरॉयड ग्लैंड के पोस्टीरियर पार्ट में जो होता है हमारा पैराथायरॉइड ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं यार यू कैन से पैराथॉराइड लैंड फ्रेंस जो पैराथॉराइड लैंड होती है सुपीरियर टू एंड इन्फीरियर टू प्रजेंट होती है इन द थायर ग्लैंड सो फ्रेंड्स जो पैराथॉरिड लैंड है वो थायरयड ग्लैंड में प्रजेंट होती है एंड थायरॉइड लैंड के पोस्टीरियर यानी कि बैक व्यू में पैराथायरय लैंड प्रजेंट होती है सुपीरियर टू एंड टू इन्फीरियर सो नेक्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ पैराथॉराइड ग्लैंड, फ्रेंड्स जो पैराथॉराइड ग्लैंड होती है अब हम ये जानेंगे पैराथॉराइड ग्लैंड कैसे होते हैं साइज में कैसी होती है एंड uh, कहाँ पे प्रेजेंट होती है सो so, ये देखेंगे पैराथॉराइड ग्लैंड आर फोर स्मॉल ग्लैंड्स, पैराथॉराइड ग्लैंड जो होती है फोर स्मॉल ग्लैंड होती हैं हियर यू कैन सी थायरइड लैंड इट इज़ अ एंटीरियर व्यू ऑफ थायरॉइड लैंड एंड इट इज़ अ पोस्टीरियर व्यू ऑफ थायरइड ग्लैंड, सो फ्रेंड्स जो पैरा पैराथॉराइड ग्लैंड होती है वो हमारे जो uh, थायरइड ग्लैंड होते हैं, उसके पोस्टीरियर पोस्टीरियर यानी कि बैक व्यू में प्रेजेंट होती है ये पैराथायरइड ग्लैंड, ये जो आपको स्मॉल से uh, स्मॉल से ग्लैंड दिख रहे हैं फोर ये इट इज़ अ पैराथॉराइड लैंड टू सुपीरियर एंड टू इंफीरियर तो इस टाइप से जो पैराथायरइड ग्लैंड होती हैं वो फोर स्मॉल ग्लैंड्स होती हैं जो कि इंडो सिस्टम यानी कि जो हमारा थायरॅड ग्लैंड है थायरॅड ग्लैंड के पोस्टीरियर पोस्टीरियर व्यू यानी कि बैक व्यू में प्रेजेंट होती हैं ये तो हम लोगों ने जान लिया कि पैराथायराइड कहाँ पे प्रेजेंट होती है नव रेगुलेट द कैल्शियम जो पैराथायरइड ग्लैंड है ये क्या करती हैं इनके काम क्या होते हैं ये पैराथॉराइड ग्लैंड जो होती हैं इनका वर्क होता है कि कैल्शियम जो हमारा कैल्शियम होता है बॉडी में कैल्शियम को रेगुलेट करना इनका मेन वर्क होता है पैराथायरइड ग्लैंड का नेक्स्ट पैराथायरइड ग्लैंड आर लोकेटेड इन द नेक वही है कि पैराथायराइड ग्लैंड कहाँ पे प्रेजेंट होता है नेक में प्रेजेंट होता है नेक में इधर जहाँ पे हमारे जो पैराथायराइड ग्लैंड यानी कि जो थायराइड ग्लैंड है वो नेक में प्रेजेंट है एंड ग्लैंड जो है हमारे थायराइड ग्लैंड के पोस्टीरियर व्यू में प्रेजेंट होती हैं बिहाइंड द थायराइड थायराइड के बिहाइंड वेयर दे कंटिन्यूसली मोनीटर एंड रेगुलेट ब्लड कैल्शियम लेवल जहाँ पे ये जहाँ पे प्रेजेंट होती है वहाँ से क्या करती हैं वहाँ से जो हमारा ब्लड कैल्शियम है यानी कि जो ब्लड में हमारा कैल्शियम का लेवल है उसको रेगुलेट करना इट इज इट इज़ अ मेन वर्क ऑफ पैराथाराइड ग्लैंड नेक्स्ट द पैराथॉर लैंड आर कम्पोज ऑफ मॉसिस ऑफ एपीथीलियम सेल्स फ्रेंड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइंड जो पैराथॉराइड लैंड होती है वो हमारे मॉसिस ऑफ एपीथीलियल सेल्स से मिलकर बनी हुई होती है द सेल्स आर टू टाइप्स जो ये सेल्स होती हैं ये टू टाइप्स की होती हैं चीप सेल एंड ऑक्शिफल सेल्स जो चीप सेल्स होती हैं वो सिक्रीट करती हैं पैराथॉराइड हार्मोन को पैराथॉराइड हार्मोन को हम पैराथॉर्मोन भी कहते हैं पैराथॉर्मोन भी कहते हैं सो चीप सेल्स जो होती हैं वो पैराथॉराइड हार्मोन को सिक्रीट करती हैं जिन्हें पैराथॉर्मोन हार्मोन भी कहते हैं नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं फंक्शंस ऑफ ग्लैंड सो फ्रेंड्स जो ग्लैंड होती है वो हमारे ब्लड में जो कैल्शियम का लेवल होता है उसे इंक्रीज़ करता है ब्लड में कैल्शियम के लेवल को इंक्रीज करता है फ्रेंड्स हम लोग ऐसे समझ सकते हैं ऐसे जान सकते हैं ऐसे याद कर सकते हैं कि पैरा पैरामींस क्या होता है पैरामींस हाई लेवल सो हम लोग क्या होते हैं कि जो पैरा का मतलब हाई तो ऐसे समझ सकते हैं ऐसे याद कर सकते हैं कि पैरामींस हाई तो हम जो हमारे ब्लड में जो जो कैल्शियम लेवल का जो अमाउंट है जो उसे क्या करता है उसे इंक्रीज कर देता है पैराथायराइड right? हार्मोन एंड एक्स्ट्रा सेलोर फ्लूड दिस इज फैक्ट ऑफ प्रोड्यूसड बाय द फॉलोइंग मैकेनिज्म नेक्स्ट फ्रेंड्स क्या करता है मैटाबोलिजेशन ऑफ कैल्शियम ऑफ बोन इंटू द एक्स्ट्रासेल्युलर फ्लूड फ्रेंड्स जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूड है उसमें क्या करता है मेटाबोलिज्म ऑफ कैल्सियम यानी कि जो कैल्सियम बोन में जो कैल्शियम उसका मेटाबोलिज भी करता है नेक्स्ट इंक्रीज द इंक्रीज ऑफ कैल्शियम इंदर रूब रिनल टूबुल क्या करता है इंक्रीज रि यानी कि रिओबजॉर्पन को इंक्रीज कर देता है रिऑबजॉर्पन को इंक्रीज करता है जैसे कि किडनी में जो कैल्शियम को रिओबॉर्प्शन करता है अगर जो एक बार में ऑबजॉर्ब नहीं हुआ है तो ये दोबारा से रिऑबजॉर्ब करता है नेक्स्ट इंक्रीज एबजॉर्बशन ऑफ कैल्शियम इन द गैस्ट्रो इंटस्टाइनल ट्रैक यानी कि जी आई ट्रैक हमारा जो जी आई ट्रैक है उसमें अगर कैल्शियम सही से एबजॉर्ब नहीं हो पाता है तो एबजॉर्बशन को इंक्रीज करता है नेक्स्ट इज रेगुलेशन ऑफ सिक्रीशन यानी कि क्या क्या रेगुलेट करता है क्या क्या सिक्रीट करता है पैराथॉराइड हारमोन और डिक्रीज इन कैल्शियम लेवल ऑफ प्लाज्मा इंक्रीज द सिक्रीशन ऑफ पैराथॉराइड हारमोन एंड पाइसा फ्रेंड्स जो पैराथायरइड हार्मोन होता है वो क्या करता है वो कैल्शियम लेवल को डिक्रीज कर देता है अंदर प्लाज्मा एंड जो पैराथायरइड हार्मोन होता है वो कैल्शियम लेवल को डिक्रीज करता है सो so, नेक्स्ट डिसऑर्डर ऑफ पैराथायरइड हार्मोन फ्रेंड्स जो पैराथायरइड हार्मोन होते हैं इनके डिसऑर्डर्स क्या हो जाते हैं जब ये ज़्यादा हार्मोन प्रोड्यूस करने लगता है तब क्या हो जाता है एंड जब पैराथायरइड हार्मोन जब कम हार्मोन प्रोड्यूस करता है तब क्या हो जाता है ये हम जानेंगे हाइपर पैराथाराइडिज्म यानी कि जब पैराथायरइड हार्मोन जो है पैराथॉर ग्लैंड जो है जब ये ज़्यादा हार्मोन को प्रोड्यूस करने लगती है सो क्या होता है तो ये जानेंगे इट प्रोड्यूस ऑस्टोसिस यानी कि ऑस्ट्रोसिस हो जाती है फ्रेंड्स यहाँ पे ऑस्टोसिस जो होता है ऑस्टिस का मतलब कि बोन वीक हो जाना सो तो जब पैराथॉराइड हार्मोन जब कैल्शियम के कैल्शियम को जब ये जो पैराथॉराइड हार्मोन होता है जब ज़्यादा हार्मोन प्रोड्यूस होने लगते हैं बाय पैराथॉराइड प्लैंड सो तो क्या हो जाता है जो ऑस्टोसिस यानी कि बोन वीक होने लगते हैं करेक्ट्रिस्टिक्स बाई डी कल्सिफिकेशन हो जाता है एंड बोन लीडिंग लोश ऑफ स्ट्रेंथ एंड फाइब्रस एपरियंस यानी कि बोन्स में कैल्शियम की कमी हो जाती है एंड बोन्स को स्ट्रेंथ वीक हो जाती है जो बोन की स्ट्रेंथ होती है वो वीक हो जाती है मीन्स फ्रेंड्स ऐसे समझ लेते हैं जो पी डी एच यानी कि जो पैराथायराइड हार्मोन का मेन वर्क क्या होता है बोन में बोन में को भंग करना यानी कि जो और बोन से जो कैल्शियम होता है कैल्शियम को छोड़ना है तब जो पैराथायराइड हार्मोन होती है वो उसका जर्नल वर्क होता है कैल्शियम के रेगुलेशन को मेनटेन करना मतलब बनाए रखना उसका संतुलन जो है वो बनाए रखना तो जब हाइपर पैरा हाइपर पैराथरिडिसम हो जाता है मींस इसमें क्या होता है फ्रेंड्स जो हाइपर पैराथॉरेडिस इसमें जो लेवल होता है जो लेवल इंक्रीज होने से बोन्स में यानी कि जो कैल्शियम लेवल है वो इंक्रीज हो जाता है तब क्या होता है बोन्स में कैल्शियम तेजी से जारी होने लगता है जिससे बोन्स वीक हो जाती हैं एंड लॉन्ग टर्म में अगर ये प्रोसेस लॉन्ग टर्म चलता रहता है यानी कि हाईपर पैराथॉर्ड यानी कि पैराथॉराइड डेंट है अगर लगातार जो है कंटिन्यू अगर ये आ, मतलब कि ज़्यादा हारमोन प्रोड्यूस होने ही लगते हैं तब इस ऐसी कंडीशन में अगर ये लॉन्ग टर्म चलता रहता है अगर लॉन्ग टर्म में ये हारमोन ज़्यादा प्रोड्यूस होते रहते हैं तो इस फ्रेंड्स क्या हो जाता है तब ऑस्ट्रियोपोरिस हो जाता है तो फ्रेंड्स ऑस्ट्रियोपोरिस हो जाता है तो एंड ऑस्ट्रोपेरिस भी हो जाता है और अदर अर्थोबॉडिक प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं नेक्स्ट ये तो हम लोगों ने जाना हाइपर पैराथॉरिडि बट अब हम लोग देखते हैं हाइपो हाइपो पैराथोरडिज्म फ्रिंस अगर हमारा पैराथायरइड ग्लैंड है अगर कम हारमोन प्रोड्यूस करता है तब क्या हो जाता है इट मीनस हाइपो कैलसीमिया यानी कि कैलसीय की, की कमी होना है बिच लिट टैक्निटीटेंसी क्या जिससे क्या हो जाता है जिससे टिटेंसी हो जाता है जो कैल्शियम में आने के हाइपो होता है उससे टिटनेसी हो जाता है यानी कि टिटेंसी में क्या होता है फ्रेंड्स जो मसल्स होती हैं मसल्स इस्पाज हो जाता है यानी कि मसल्स में एठन होने लगती है डिटेंसी की वजह से सिवरिंग होने लगती है ठीक है फ्रेंड्स तो हाइपो पैराथोर में आने के पैराथ ग्लैंड जो है जब कम हार्मोन प्रोड्यूस करेगी तो डिडेंसी हो जाएगा फ्रेंड्स जो टिडेंसी होता है उसमें सिबरिंग होने लगती है मसल्स स्पाजम हो जाते हैं एंड कैल्शियम की कमी हो जाती है तब ये डिडेंसी हो जाता है फ्रेंड्स ये हम लोगों ने देखा कुछ रेगुलेशन ऑफ फंक्शंस एंड डिसऑर्डर ऑफ़ डिस पैराथैराइड ग्लैंड सो फ्रेंड्स आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा अगर हेल्पफुल रहा है सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आय चैनल थैंक यू